जैसे ही वो टीम में आता है ना, वो इतना उसको खोचल कर देते हैं। जैसे टीम में आता है वो आते ही कोई ना कोई 100 कर देता है या 200 कर देता है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक, तुसी सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडिया की, उनकी सीरीज चल रही है, उनका न्यूजीलैंड के साथ मैच था और उसमें उनके एक जो प्लेयर है शुभमन गिल, उन्होंने डबल सेंचुरी किया है, पहले मैच में उन्होंने सिंगल सेंचुरी किया, तो क्या बात है कि इंडियन क्रिकेटर्स वाहिद ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि डबल सेंचुरीज कर रहे हैं और नजर भी आ रहा है, उनकी बैटिंग लाइन मतलब कि उनकी ग्रूमिंग किस तरह से हुई है? देखिए, वहाँ पे सबसे पहले ग्रास रूट पे वहाँ पे काम किया जाता है, उनके जो कोचेज होते हैं ना वो नीचे लेवल से, मतलब स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, इंटर मतलब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद डिवीजन, ये वो सारा कुछ करवाते करवाते वो इतना बंदे को पक्का कर देते हैं कि जैसे ही वो टीम में आता है ना, वो इतना उसको खोचल कर देते हैं। जैसे टीम में आता है वो आते ही कोई ना कोई 100 कर देता है या 200 कर देता है। इससे पहले ईशान किशन को आप देखें, उसको इतनी देर बाद चांस मिला, उसने 100 किया, उसके बाद उसने भी 200 कर दिया, और ये जो उसने पहले मैच में 100 किया उसके बाद 200 किया है, तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप है उनको तो अगर वो दो टीमें बनाना चाहे तो वो दो टीमें भी, दो के तीन टीमें वो एक वक्त में खिला सकते हैं। उनके पास इतने बैट्समैन हैं कि एक बंदा एक आधा मैच नहीं ना वो क्लिक कर पाता तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है, दूसरा आते 100-200 कर जाता है। उनको समझ नहीं आती, दो तरह की टेंशन होती है, समझ लें, एक अच्छी टेंशन एक बुरी टेंशन। अच्छी टेंशन ये होती है कि एक बंदे के पास सपोज करें कि उसके पास इतने ज्यादा कपड़े होते हैं, वो सोचता है यार मैंने कौन से पहनने हैं। लड़कियों का मसला ये, लड़कियों का समझ लें, लड़कों का समझ लें। और एक बुरी टेंशन होती है यार मेरे को तो कपड़े ही नहीं है मैं पावा की। इसी तरह इंडिया को ये टेंशन है कि हमारे पास इतने बैट्समैन, हम खिलाएं किसको, और पाकिस्तान साढ़े को है ही कोई नहीं सिखाई है किनू। अच्छा, मतलब कि देखिए इंडिया में ओवरलोड हो चुकी है हर एक चीज़, ठीक हो गया, क्रिकेटर्स उनके जो प्लेयर्स हैं वो ओवरलोड हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, आपने कहा कि क्रिकेटर्स हैं ही नहीं तो खिलाएं किसको, मतलब कि यहाँ पर क्यों इतना निचला दर्जा में दिखाया जाता है क्रिकेटर्स का, उनकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती उनकी, ऊपर से कह लें कि ग्रुपिंग नज़र आ रही होती है, मैचेस के दौरान भी आ रही होती है, हर कोई खुद का कप्तान बना होता है, तो क्यों इतने ज़्यादा मतलब हमें डिफरेंस नज़र आ रहे होते हैं? देखिए, वहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे लोग बड़े ज़्यादा है, और यहाँ पे आप देखिए फास्ट बॉलिंग का टैलेंट बहुत ज़्यादा आता है। इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग नहीं है, इंडिया वाले हमारी फास्ट बॉलिंग के बारे में ऐसे कहते हैं कि ये कोई बंदा जा रहा है उसको कहते हैं वो मैच खेलना ही, कहते हैं हाँ खेलना, और 5 आउट कर देते हैं। हमारे पास बैट्समैन ऐसे हैं और उनके पास बॉलर ऐसे हैं, हमारे पास बॉलर ऐसे हैं उनके पास सॉरी बैट्समैन वैसे हैं। असल में पाकिस्तान में बैट्समैनों की ये वजह है कि पाकिस्तान में थोड़ा सफारसी जो सिस्टम चल रहा है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि आपने देखा है टीम में 5 बैट्समैन खेलने होते हैं तो उसमें ये पर्ची सिस्टम बड़ा ज़्यादा चलता है। अभी टीम में भी कुछ 2-3 पर्चियाँ खेल रही हैं, जो टैलेंटेड बंदे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। वहाँ पर ये वाला काम नहीं है, वहाँ पर जो जिस लेवल का बंदा ना उस लेवल के बंदे को वहाँ पर वो इज्जत वो रिस्पेक्ट दी जाती है, टीम में जगह उनको बनानी पड़ती है। यहाँ पर जगह बनानी नहीं पड़ती, यहाँ पर पर्ची के सिस्टम से आते हैं और उसके बाद टुक टुक करके वो जगह बनाते हो ताकि यहाँ पे ना रुके रहें और अपनी जो माल पैसा जो है वो इकट्ठा करते रहे, जिस वजह से वो टीम जाए जिस तरफ मर्जी चली जाए। सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं हमारे बैट्समैन, जो ये सबसे बड़ी वजह है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नमस्कार, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? एकदम बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें इंडियन क्रिकेटर्स की, तो उनके क्रिकेटर हैं शुभम गिल जिनका नाम है, उन्होंने पिछले मैच में 100 किया, इस मैच में डबल सेंचुरी कर चुके हैं, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ था जो, तो मतलब इंडियन बैट्समैन जोन से हैं, उनकी अगर प्रैक्टिस देखी जाए, उनकी सेंचुरीज देखी जाए तो डबल डबल ही नज़र आ रही है हम लोगों को, क्या वजूहत है इस चीज़ की? देखिए, हम बता देते हैं, हमारे इंडिया ऑलवेज हर जगह पर हर चीज़ में नंबर वन है, बेस्ट है। हमारे चाहे क्रिकेट टीम हो, चाहे हमारी बॉक्सिंग टीम हो, चाहे जॉन मर्जी जिस फील्ड में भी देखिए, आईटी टेक्नोलॉजी की फील्ड में देखिए तो हम हर जगह पे सबसे आगे हैं। ठीक है, उसका कारण यह है कि हमारी टीम जो है बहुत हार्डवर्किंग रहती जी। ठीक है, अभी आपकी टीम है, ठीक है, आप पाकिस्तान टीम के वो हैं ना, ठीक है, तो आपका पाकिस्तान टीम है जी, देखिए वो मतलब बस ऐसे ही लेजी रहते हैं। ठीक है, बस फैन फॉलोइंग हेलो हाय यस टू मैच करते रहते हैं। ठीक है, जबकि हमारी टीम है पिच के अंदर, ग्राउंड के अंदर भी बहुत हार्ड वर्किंग करती है और ग्राउंड के बाहर भी। ठीक है, उनका कोई स्कैंडल वकैंडल नहीं आता रहता है, जैसे आपके टीम का चल रहा है आजकल स्कैंडल खुला हुआ, एक आदमी का नाम नहीं लेना चाहता रहा वो। ठीक है, तो लेकिन हमारी टीम में ऐसा नहीं है, बहुत हार्ड वर्किंग रहता जी और मेहनत करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है नंबर वन है हम। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बात सही की है कि इंडियन टीम की ग्रूमिंग नजर आती है हार्ड वर्किंग, हमारी टीम भी हार्ड वर्किंग होती है, हमारी टीम की ग्रूमिंग प्रैक्टिस सब कुछ एक जैसा ही होता है, फिर पाकिस्तानी टीम आपको कैसा लगता है कि क्यों इतनी पीछे रह जाती है? देखिए, हम पहले भी आपको बताए कि जो है आपकी जो टीम है, ठीक है, आपकी जो टीम है देखिए सब जो है वही हम बात करते हैं कि बैकग्राउंड जो है बहुत बहुत वीक बैकग्राउंड होता है, जो है छुटका मटुका ऐसे झुगड़ी से या गरीब घर से उठते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग करके बहुत ज़्यादा जो है ना टफ स्ट्रगल फेस जो है अपना वो उसको सर्वाइव करके क्रिकेट में आते हैं। क्रिकेट में आने के बाद जब वो एक बन जाते हैं, एक मतलब उनका नाम बन जाता है, देश की जो है
जो नेशनल टीम है उसमें जब सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझ लेते हैं, अपने आप को मॉडल समझ लेते हैं, ठीक है, और बस अपने आप को फेमस करते हैं और कभी बस हेलो हाय और ऐसी जो है अपना जो है ना उसमें इवेंट्स में चलते रहते हैं और भूल जाते हैं भैया हमारा जो जिस नाम हम क्रिकेट के नाम बलबूते पर जो हम यहाँ पर आए हैं और उसको वैसे ही पीठ पीछे फेंक देते हैं। और अब हम ग्राउंड में हम साफ हमका नज़र आ रहा होता है और थक जाते हैं बीच में, ठीक है, इधर मैच चल रहा होता है ये इधर पीछे हेलो हाय हाँ ठीक है लड़की मड़की को ऐसे सलाम कर रहे हैं, साथ गर्लफ्रेंड आई होती है गर्लफ्रेंड को ऐसे फ्लाइंग किस कर रहे होते हैं, भैया जी ये ऐसे तो नहीं होता है ना जी, ये इस तरह नेशनल आपका देश का तो ऐसे नाम खराब करते हैं ये ऐसे क्रिकेटर जो हैं। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्रिया। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम इंडियन क्रिकेटर्स की बात करें तो उनका कह लें कि सीरीज चल रही है ओडीआई की और रिसेंटली उनका मैच था न्यूजीलैंड के साथ, पिछले मैच में शुभम गिल उनके नए उभरते हुए सितारे हैं उन्होंने 100 किया और अब के मैच की बात करें तो डबल सेंचुरी वो कर गए, क्या कहना चाहते हैं कि उनके पास इतने क्लासिक बैट्समैन है कि आप कह लें कि भाई हार्दिक पांड्या विराट कोहली शुभम आदि सरना से आपने मुझे बताया उसके अलेक्स पटेल यार उन लोगों के पास बहुत जो कहते हैं ना बैटिंग सेंस उनकी अच्छी है, उधर ये सीन नहीं है कि सिफारिश पे कोई बैट्समैन उठ के आगे वो आ गया, ये वाला सीन नहीं है हमारे यहाँ पे, ये सीन है कि बैट्समैन अगर है तो उसको सिफारिश पे लेकर आता है, अगर सिफारिश नहीं है तो उसके बाद सिफारिश नहीं है तो उसके बाद क्या है कि आप लोगों को वहाँ पे पैसे लगाने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिफारिश क्यों इतनी चलती है? मतलब कि देखें टैलेंट जो होता है वो पीछे का पीछे रह जाता है और वहाँ पर टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, अगर हम एम एस धोनी की बात करें, तेंदुलकर की बात करें, राहुल रोहित शर्मा की बात करें, मतलब कि टैलेंट नज़र आता है कि ठीक है उन्होंने अपने प्लेयर्स की अच्छी ग्रूमिंग की है, सारा कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पर ग्रूमिंग भी अच्छी नहीं, प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं, ऊपर से अगर प्लेयर्स की बात करें तो वो भी सिफारिश पे आए। यार बेसिकली थोड़ी बेसिकली बाबा बोल रहा हूँ, पता क्या बात है, देखिए जब तक आपके मुल्क के अंदर कुछ ऐसे हुक्मरान जो बैठे हुए हैं जब तक वो उन लोगों ने अपने बारे में ही सोचना आपका कुछ भी नहीं होगा। और जिस तरह से रमीज राजा था हमारे यहाँ पे चीफ जो थे क्रिकेट के, यार देखिए पता क्या बात है उन लोगों का, उससे पहले अगर की बात करें तो एक मिनिस्टर थे जो उन लोगों ने आगे अपने बारे में सोचा, इमरान खान जब सब जब हुकूमत में आगे बैठे उन लोगों ने आगे मिजरा को बताया, मुझे बताया अब जितनी की सिफारिश वगैरह लग रही पहले लग रही थी ये नॉर्मल ये नहीं मैं कह सकता, बट अब की बात करते हैं तो अब नहीं लग रही, हमारे पास इतने इतने बेहतरीन बॉलर्स हैं अभी तक आपने देखा होगा, आप बॉलर्स की बात कर लेते हैं बैट्समैन की बात कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉलिंग लाइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती है लेकिन हमारी जो बैटिंग लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा कह लेके हमें उतना जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है वैसा एक्सपेक्टेशन मिल नहीं रही होती है, क्या वजूहत है कि हमारी बैटिंग काफ़ी वीक जाती है? ईशा अफरीदी को देख लें होम ग्राउंड में वो लोग सेंचुरी जो कहते हैं बैटिंग सेंस अच्छी नहीं दिखाई जिसकी वजह से उसको निकाल के बैट फेंक दिया गया, फेंक नहीं दिया गया बट एक बात करूँ जिस तरह से उन लोगों ने अपनी बैटिंग सेंस को अच्छा करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया, बट हमारा पता क्या सीन है एक तरह जब गिर रहे होते हैं ना तब एकदम नीचे से जब उठ के ऊपर आते हैं वो हमारा वो सीन बहुत ज़्यादा ना मुझे बुरा लगता कि जब आप लोग उम्मीदें हार के बैठ के होते हैं लास्ट मैच पे आप लोग आके पुठे रास्ते चले जाते हो सीधा ही आप लोग फाइनल में पहुंच जाओ, यार ये वाला सीन आप लोगों का बिल्कुल ठीक है बट हम लोगों की उम्मीदों से ना खेला करें, जिस तरह से आप खेलते हैं हमारे पास बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं ये नो डाउट नहीं है, ये नहीं है बैट्समैन हमारे पास बहुत अच्छे हैं बॉलर हमारे पास बहुत अच्छे हैं बट फिर भी हमारा क्या हमारे पास सेंस नहीं है, हमारे पास वो खेलने का तजर्बा नहीं है, हमें तजर्बा लेके आना चाहिए। यार मैं पता है क्या सीन है, देखिए सूर्य कुमार यादव की मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव से हमें कुछ सीखना चाहिए, हारिस रऊफ को अपनी बैटिंग सेंस देखी जहाँ तक मुझे लगता है वो भी 360 के एंगल पर अभी उसने खेलना स्टार्ट किया हो सकता है आगे बेहतरी हो जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं बिल्कुल ठीक। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करें शुभम गिल की तो पिछले मैच के अंदर उन्होंने सेंचुरी किया था, इस बार वो डबल सेंचुरी कर चुके हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो काफ़ी हमें इंडियन प्लेयर्स की बातें सुनने को मिल रही हैं और उनके जो प्लेयर्स हैं स्पेशली बैट्समैन हैं वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और लोग उनकी डिमांड भी करते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए इस टॉपिक के ऊपर मैं यही सिर्फ कहूँगा कि इंडियन जो प्लेयर्स हैं खासतौर पर बैट्समैन लाइन की बात बैटिंग लाइन की बात करूँगा वो जो कोई नया प्लेयर भी आता है ना यानी कि पहली इनिंग भी खेलने आ रहा है पहला मैच खेल रहा है अपना चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो चाहे वो न्यूजीलैंड की टीम हो चाहे वो यहाँ तक श्रीलंका की टीम हो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देनी है। देखिए अब मैं आपको बताऊँ जो तजर्बाकार प्लेयर उनके ऊपर है ना कोचेज जैसे सिस्टम बन के बैठे हैं जैसे एम एस धोनी के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उसके बाद विराट कोहली की जेरे निगरानी प्लेयर्स आ रहे हैं उसके बाद रोहित शर्मा जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर है ये इनको गाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद मे भी जिसकी वजह से ऐसी परफॉर्मेंस है इंडियन बैट्समैन की। बॉलिंग लाइन की मैं बात नहीं करूँगा बैटिंग लाइन की से बात करूँगा कि इसलिए उनकी ऐसी परफॉर्मेंस है जी पहली आपने जैसे क्या कि उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी नहीं किया उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने डबल सेंचुरी की है यही वजह इसके पीछे कि अपने तजर्बाकार प्लेयर से तजर्बा हासिल कर। अच्छा उनके जो प्लेयर्स हैं वो वेल ग्रूम्ड नजर आते हैं हम लोगों को, उनको जरूरत ही पड़ती है कि मैदान में जाकर अपनी ग्रूमिंग फिर करूँ, पीछे से भी ग्रूम हो जाते हैं, हम अपने प्लेयर्स की बात करें तो हमें वेल ग्रूम नजर नहीं आते उनको, मतलब क्योंकि बात करने से पता चल रहा था कि उनकी ग्रूमिंग किस तरह से हुई है। देखिए आप ऐसा ना कहें कि हमारे यहाँ पे ग्रूमिंग नहीं है, हमारे यहाँ पे भी बहुत टैलेंट है बहुत अच्छा अच्छा बैट्समैन भी है बहुत अच्छा अच्छा बॉलर भी है पूरे आप मुझे बताते हैं पूरी दुनिया में क्रिकेट टीम ठाक दे लें
कौन सी क्रिकेट टीम है जिसके पास 150 प्लस पेसर बॉलर है? कोई ऐसी टीम नहीं है। पाकिस्तान के पास ही वो बॉलर है जो 150 प्लस पेस करते हैं। ऐसे ही पीछे इंडिया में उनके एक नया बॉलर आया था, उसने 140 प्लस स्पीड पे बॉल की, तो जी उन्होंने उस दिन वहाँ पे वो हॉलीडे हो गई थी कि जी हमारे प्लेयर ने 140 प्लस बॉल की है, तो जो हम इसको एज अ नेशनल हॉलीडे मनाएंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान में तो 152 प्लस भी पेस है बॉल की, ठीक है। नहीं, पाकिस्तान में बॉलर्स बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन हमारी बैटिंग बॉलर्स को तो नो मैच पाकिस्तान के। मैं कहती जो बॉलर्स हैं उनका, वो तो इंडियन प्लेयर्स डर जाते हैं। मैं आपको ये बात करने जा रहा हूं कि ठीक है, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, अच्छी बैटिंग, बैट्समैन बहुत अच्छे। अब देखें, एक रिसेंटली पीछे हमने देखा है हमारा शाइनिंग स्टार था मोहम्मद आरिफ नाम का प्लेयर, ठीक है, जो नो डाउट सूर्य कुमार यादव जैसे क्या कहते हैं, बहुत अच्छी 360 स्टाइल से खेलता, बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे जो टैलेंट होता है ना, उसको आगे नहीं लाया जाता, बस मसला ये है। सिर्फ और सिर्फ एक मसला है, जिसके पास सिफारिश है वो आगे आ जाता है, या जिसके पास पैसा है वो आगे आ जाता है, जिसके पास टैलेंट है ना वो पीछे रुलता है, वो फिर जाकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलता है, या PSL खेलता है, या BPL खेलता है, या उसके अलावा क्या कहते हैं जो हमारे यहाँ पे छोटे मोटे लीग्स होती हैं वो खेलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं खेलता जिसके पास टैलेंट है। जबकि जिसके पास सिफारिश है, जिसके पास पैसा है, वो फिर इंटरनेशनल मैचेस भी खेलता है। यार देखो, सरफराज जैसा प्लेयर, ठीक है, कहाँ मेरे ख्याल में उनको ODI में नहीं खिलाना चाहिए, तो उसको एज अ टीम कैप्टन रखा हुआ था, ठीक है। अब इमाद वसीम जैसा हमारे पास एक समझ लगे एक्सपीरियंस स्पिनर बॉलर है, बैट्समैन भी अच्छा है, उसको क्यों नहीं आगे लेके आ रहे? मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर है, देखिए अब अफरीदी बना चीफ सेलेक्टर ने, ठीक है, उन्होंने बाकायदा किया कि मैं आमिर को सपोर्ट करता हूँ, किस वजह से कि आमिर ने अपना टीका जुर्म किया था तस्लीम भी किया, उसको उसकी जितनी सजा थी भुगत ली उसने, अब उसको टीम में ले गया। तो जी PCB का जो चेयरमैन ही मिर्जा जा, वो कहते हैं जी मेरी नज़र में ऐसे बंदे की कोई अहमियत नहीं है, मेरी नज़र में ऐसे बंदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों क्यों आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स को डिग्रेड करोगे तो कैसे आप क्या कहते हैं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जी जाके बड़े लीग्स की जीतोगे, बड़ी सीरीज जीतोगे, बड़े टीम वर्ल्ड कप जीतोगे, एशिया कप जीतोगे? फिर जब आप अपनी टीम के, अपनी समझ लें मुल्क के बंदों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आपके साथ भी यही होगा कि जो आपसे छोटे होगे, आपके नीचे काम करने वाले बंदे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मैं यही कहूँगा। थैंक यू सो मच।